मोदी सरकार में इन 8 सालों के दौरान कई ऐसी उपलब्धि रही जिनकी चर्चा की जा रही है, लेकिन कुछ सैन्य से जुड़ी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर लगातार तारीफ की जा रही है। चाहे पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो, जिसको लेकर आज तक मोदी सरकार कहती है कि नया भारत है, घर में घुसकर अपना बदला लेना जानता है। लेकिन इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला पूरी दुनिया में चर्चित रहा और इसको लेकर पाकिस्तान सहित चीन दोनों देश भारत से परेशान नजर आए। देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू एंड कश्मीर के पीएम को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का भी ऐलान किया था। मोदी सरकार का दावा है, इससे स्थानीय निवासियों का दर्जा देने के मामले में फायदा हुआ। दावा यह भी किया जाता है कि 370 हटने के बाद घाटी से बाहर के लोगों को कश्मीर में गैर कृषि योग्य जमीन खरीदने की इजाजत दी गई है और इससे लोगों को फायदा मिल रहा है। इतना ही नहीं, आतंकवाद पर लगाम लगी और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और मजबूती के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारियों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। सिर्फ धारा 370 ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार ने बढ़ते आतंकवाद को रोकने के लिए कई ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ गई। और तो और, पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने आतंकवादियों के कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया और संदेश दे दिया कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। बदलाव ऐसे आता है। सर्जिकल स्ट्राइक और धारा 370 को हटाना मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम माना जाता है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान दुनिया भर में घूमा, लेकिन पाकिस्तान को कुछ हाथ नहीं लगा। और इस दौरान भारत की विदेश नीति का भी असर देखने को मिला और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा लाभ हुआ। तो वहीं सर्जिकल स्ट्राइक का डर आज भी आतंकवादियों में दिखाई देता है।